स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस महत्वपूर्ण क्लास में। सीडीपी के फ्रेंड इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड यह क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड, इसलिए इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्लास को प्रारंभ कर चुके हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन के तौर पर किसका नाम प्रसिद्ध है? ए है सिगमंड फ्रायड, बी है विलियम मुंट। चलिए थोड़ा सा मिस हो गया, इसको देख लेते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन फ्रेंड, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता के तौर पर किसका नाम प्रसिद्ध है? सिगमंड फ्रायड, विलियम मुंट, स्किनर या पावलोव? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड, फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर कमेंट करिए कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता के तौर पर किस मनोवैज्ञानिक का नाम प्रसिद्ध है। चलिए ए ए ए कमेंट सेक्शन में सभी साथी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही विकल्प क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही विकल्प क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर फ्रेंड। सिगमंड फ्रायड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। अगला, किस अवस्था में आक्रामक तथा धारात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है? जी हाँ फ्रेंड, किस अवस्था में आक्रामक तथा धारात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है? गुदावस्था, मुखावस्था, लैंगिक अवस्था या अव्यक्तावस्था? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें फ्रेंड, या क्या है इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, किस अवस्था में बालक आक्रामक तथा धारात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए, क्या है इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। ए ए बी भी आंसर कमेंट कर रहे हैं कुछ साथी, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। चलिए सी भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड हुआ है ऑप्शन नंबर ए, गुदावस्था। जी हाँ, गुदावस्था में व्यक्ति आक्रामक तथा धारात्मक व्यक्तित्व को विकास होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, ए इज द राइट आंसर। हमारे मस्तिष्क का भार का कितना चेतन तथा कितना अचेतन भाग होता है? हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन होता है? यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को सिगमंड फ्रायड ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, क्या है सही जवाब। हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सही जवाब क्या है फ्रेंड, कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन है? ए ए ए ए ए ए जी हाँ, ए कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर जवाब आ रहे हैं। चलिए विकल्प नंबर ए का जवाब ही बिल्कुल सही है। जी हाँ, 9/10 आपका चेतन होता है और 1/10 अचेतन होता है। मतलब 10/10 पूरा अगर 10 में अगर कहें तो 9 चेतन होता है और 1 अचेतन होता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाक से आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। युयुत्सा नामक मूल प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार के संवेग से है? क्या भय से है, क्या क्रोध से है, क्या ईर्ष्या से, क्या प्रेम से है? चलिए ए आंसर आने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कमेंट करें सभी साथी, जल्दी जल्दी पहले फटाफट सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी सभी साथी हमारे साथ इस क्लास से जुड़ जाएं और इस क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सभी क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर आने प्रारंभ चुके हैं। ए ए ए ए
ठीक है भैया, युयुप्सा जो नामक संवेग मूल प्रवृत्ति होती है उसका संबंध क्रोध नामक संवेग से होता है, क्रोध नामक संवेग से होता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी इज राइट आंसर, क्रोध नामक संबंध होता है युयुप्सा से। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? इदम अहम परम अहम के रूप में, अहम इदम तथा परम अहम के रूप में, परम अहम अहम इदम के रूप में, या अपरम अहम इदम तथा अहम के रूप में? इड, ईगो, सुपर ईगो, यह क्रम है इनका, इड, ईगो, सुपर ईगो। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, किस में बांटा है? इदम अहम परम अहम, बिल्कुल आप सभी के जवाब सही है, ए द राइट आंसर, इदम अहम तथा परम अहम के रूप में बांटा है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए द राइट आंसर, इदम अहम तथा परम अहम, इड, ईगो तथा सुपर ईगो, इस तीन अवस्थाओं में बांटा है फ्रायड ने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, और काफी सारे साथियों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? परम अहम, इदम अहम तथा लिबाइडी, जी हाँ इसको लिब्डो भी कहते हैं। बताइए कौन सा भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है तथा वास्तविकता पर आधारित होता है? यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए, इदम अहम या परम अहम। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं। तो देखिए फ्रेंड, जो वास्तविकता होती है, जो जो चेतन भाग होता है उसी को कहते हैं अहम। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें क्या होता है, व्यक्ति स्वप्न में अपने मतलब जो चीज़ों को देखता है, अपने दैनिक आवश्यकता से हटकर चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करता है, दमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, जबकि परम अहम में क्या करता है, परम अहम इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाता है, इसलिए विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, अहम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज और नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? इदम अहम परम अहम तथा लिबाइडी, यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर का जवाब दे दें फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अब देखिए कौन सा समाज तथा नैतिक मूल्यों के आधार पर विकसित होता है, मतलब जो सामंजस्य बैठाता है वह कैसे बैठाता है, समाज तथा नैतिक मूल्यों के आधार पर ही सामंजस्य बैठाता है, इसका मतलब परम अहम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परम अहम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर, परम अहम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था बच्चों के विकास की अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, लैंगिक, गुदीय तथा प्रसुप्ति। क्वेश्चन फ्रेंड पूछा जा रहा है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय अवस्था में, या लैंगिक अवस्था में, या गुदीय अवस्था में, या प्रसुप्ति अवस्था में? इस क्वेश्चन के लिए फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी साथी फटाफट। बात हो रही है जननांगों की, जी हाँ, विकल्प नंबर बी, सी बी, तो बी सी बी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल लगभग लगभग सही आ रहे हैं, बी वाले साथियों के जवाब सही है। भाई बात हो रही है लैंगिक की, तो लैंगिक में ही जननांगों का विकास होता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफी सारे साथियों ने इसको आंसर को कमेंट किया, उन सभी के जवाब सही हैं। अगला, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? मुखीय, लैंगिक, गुदी तथा प्रसुप्त। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, कि फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम की जो इच्छाएं होती हैं वह सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? मुखी में, या गुदी में, या प्रसुप्त में, या लैंगिक में? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए बी सी, बी सी,
देखिए फ्रेंड, जिस अवस्था में बच्चों में लैंगिक विकास होता है उस अवस्था में काम इच्छाएं निष्क्रिय रहती हैं, मतलब जब विकास हो जाता है तब काम इच्छा प्रबल होती है, लेकिन विकास के दौरान यह क्या होता है, निष्क्रिय सा बना रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो जवाब होगा फ्रेंड होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि जब लैंगिक अंगों का मतलब जननांगों का विकास होता है उस समय काम इच्छाएं निष्क्रिय सी रहती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे ऐतिन्द्र या हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? इदम, अहम, परमहम या सूक्ष्महम? यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड, फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा। दमित इच्छाएं अर्थात इंद्रिय की जो सुखी इच्छाएं होती हैं उन्हें ही दमित इच्छाएं कहते हैं, जिनको व्यक्ति किसी कारणवश दबा लेता है उन्हें ही दमित इच्छाएं कहते हैं। और इस व्यक्ति को दबाता व्यक्ति किसमें है, इदम में दबाता है। अहम में क्या होता है, वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, क्या वास्तव में समाज में चल रहा है उसको स्वीकार लेता है। और परम अहम इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाता है और समाज तथा नैतिक मूल्यों के साथ उसको जोड़कर कार्य करने की विधि को प्रदान करता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इदम इज द राइट आंसर। अहम का कार्य होता है फ्रेंड, आपको पता है अहम का क्या कार्य होता है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से बताइए कि अहम का कार्य क्या होता है, नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय स्थापित करना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना, हमारी सुखानुभूति प्रवृत्तियों को सामाजिक मानकों की परवाह किए बिना थोड़ा सा लगता है तृप्त करना। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए। चलिए डी 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 आंसर कमेंट आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि अहम का कार्य क्या होता है, नैतिकता नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय स्थापित करना, असंतृप्त स्थानों का भंडारण करना, तथा हमारी सुखानुभूति प्रवृत्तियों की सामाजिक मानव परवाह किए बिना तृप्ति करना। अरे भैया, बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है, बाकी सारा बी वाला आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है फ्रेंड, क्योंकि जो अहम होता है वह इदम तथा वास्तविकता के बीच समन्वय का कार्य करता है। कहने का मतलब व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं और जो वर्तमान में समाज में चल रहा है उन सभी के बीच समायोजित करने का कार्य करता है अहम। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी आंसर कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। अगला, सेल्डन ने पर्सनालिटी को किस आधार पर वर्गीकृत किया है या बांटा है? सेल्डन, शरीर रचना, शील गुण, त्वचा तथा बालों के रंग, सामाजिकता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, शरीर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है आपके सेल्डन, तो जाहिर सी बात है जब सेल्डन शरीर शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं तो इनका जो विचार होगा, इनका जो आधार होगा वह शरीर शारीरिक रचना ही होगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शारीरिक रचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व का विभाजन किया था, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और व्यक्तित्व की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विभाजन फ्रेंड कार्ल जंग का, जिन्होंने आपके अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी के रूप में व्यक्तित्व का विभाजन किया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ, एक व्यक्ति जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और फिर किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है, वह किस प्रकार की रक्षा युक्ति काम में ले रहा है? विस्थापन की, तार्किकरण की, प्रक्षेपण की या पलायन की? मतलब वह प्रोसेस क्या है कि वह व्यक्ति क्या अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, फिर किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह किस प्रकार की रक्षा युक्ति का सहारा ले रहा है, यही आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? जल्दी जल्दी सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, 13D आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए सी भी कमेंट कर रहे हैं, चलिए भाई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से नेटवर्क इशू हो सकता है, बफरिंग कर रहा है, बाकी यहाँ से तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। चलिए डी द राइट आंसर, पलायन इसका बिल्कुल सही जवाब है।
कि वह व्यक्ति पलायन नामक रक्षा युक्ति को काम में ले रहा है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड खुला बंद व चित्रात्मक प्रकार है, प्रक्षेपण विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, प्रश्नावली विधि का या केस स्टडी मेथड का अर्थात केस अध्ययन विधि का। जी हाँ, पूछा जा रहा फ्रेंड खुला बंद व चित्रात्मक किस प्रकार की विधि का प्रकार है, प्रक्षेपण विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, प्रश्नावली विधि का या केस स्टडी मेथड का। जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड। जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है, खुला प्रश्न, बंद प्रश्न तथा चित्रात्मक प्रश्न। अब आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, खुला प्रश्न, बंद प्रश्न तथा चित्रात्मक प्रश्न। जी हाँ, प्रकार है आपका प्रश्नावली विधि का, प्रश्नावली विधि जिसके प्रतिपादक उड़वर्थ हैं, प्रश्नावली विधि जिसके जनक उड़वर्थ जाने जाते हैं, प्रश्नावली विधि के जन्मदाता उड़वर्थ हैं। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, खुला प्रश्न, बंद प्रश्न तथा चित्रात्मक प्रश्न यह प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। अंतर्दर्शन विधि का अवलोकन किया जाता है, अंतर्दर्शन विधि में अवलोकन किया जाता है दूसरों का, पशुओं का, स्वयं का और स्थिति का। तो भैया अंतर्दर्शन का मतलब होता है स्वयं का दर्शन करना, स्वयं के अंदर झांक कर उसका अध्ययन करना। तो जाहिर सी बातें हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हैं। अंतर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक हैं वह आपके वार्तन जी हैं, इसलिए विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर। स्वयं का अवलोकन किया जाता है अंतर्दर्शन विधि में, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन असमायोजन परिणाम है किसका, कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का या उपयुक्त सभी का। असमायोजन परिणाम है किसका फ्रेंड, मतलब यदि बच्चा उपयुक्त समाज में, जिस समाज में रह रहा है उस समाज के साथ समायोजित नहीं कर पा रहा है, तो यह परिणाम किसका है, कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का या उपयुक्त सभी का। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए भैया, कुंठा रहेगा तब पर भी वो समायोजित नहीं कर पाएगा, तनाव है तब पर भी वो समाज से समायोजित नहीं कर पाएगा, और यदि संघर्ष है, मतभेद है, तो भी वह समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डी द राइट आंसर। उपयुक्त सभी कारणों से वह आपको क्या है, अब समाज में, उपयुक्त समाज में समायोजित नहीं कर पाता है, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समेकित वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है, कौन सी एक विशेषता समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। उसका एक ही मूल मापक्रम होता है, उसका सही आत्म प्रत्यक्ष होता है, उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, वह साधनों की अपेक्षा साध पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं फ्रेंड, कि कौन सी विशेषता समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की नहीं है, कौन सी विशेषता समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की नहीं है। देखिए फ्रेंड, विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो विशेषता है वह समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ए बी सी ये तीनों विशेषताएं समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की है, जो नहीं है फ्रेंड वह विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वह साधनों की अपेक्षा साध पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, यह समेकित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है, प्रयोग, केस स्टडी, अवलोकन या क्षेत्र अध्ययन। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, कि कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। चलिए आंसर आने पर आरंभ हो चुके हैं, डी, कुछ लोग डी कमेंट कर रहे हैं और एक साथी ने केस स्टडी लिखा है। चलिए विकल्प नंबर सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी, सी। अरे भाई, कह रहे हैं कि स्थिति का या व्यक्ति का गहन अध्ययन केस स्टडी मेथड में होता है। जब किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को केस स्टडी मेथड कहते हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इतिहास विषय के शिक्षण में इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। या फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, सी ए टी मापता है, सी ए टी मापता है
व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता, सृजनात्मकता। चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट किसकी माप करता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता, सृजनात्मकता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। जी हाँ, यह व्यक्तित्व की परीक्षण करता है। लियोपॉल्ड ब्लैक इसके जो है प्रतिपादक हैं इस प्रकार की थियरी का। लियोपॉल्ड ब्लैक विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। व्यक्तित्व का माप करता है कैट परीक्षण, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला और हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन करने तथा उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किया जाता है? समकालीन अध्ययन विधि, जीवन लेखन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि या समजातीय। फ्रेंड कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। यह हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब जरूर टाइप करिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पूछा जा रहा है कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किया जाता है? चलिए विकल्प नंबर, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग सी कमेंट कर रहे हैं। सभी साथी डी भी आंसर आ गया है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए डी और सी लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज है। समकालीन विधि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। समकालीन विधि इसका सही जवाब है, समकालीन विधि इसका सही जवाब फ्रेंड। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर अपने अपने स्कोर को कमेंट करिए, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। मिलेंगे आपसे कल सीडीपी के स्मार्टफोन प्रैक्टिस सीरीज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।